दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट को क्वालकॉम की तरफ से ही आने वाले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ में। 778G जो चिपसेट है रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी तक हमको किसी भी फोन में देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन Realme की तरफ से बहुत ही जल्दी किसी न किसी फोन में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ Honor 50 के अंदर भी आपको ये वाला चिपसेट मिल सकता है। वहीं पर Qualcomm Snapdragon 870 की अगर बात करें तो ढेर सारे फोन में हमको मिल चुका है, Mi 11X में मिल चुका है, हमको Vivo X60 के अंदर मिल चुका है, उसी के साथ में OnePlus 9R के अंदर हमको मिल चुका है, iQOO 7 के अंदर मिल चुका है। बहुत पॉपुलर चिपसेट है Snapdragon 870 चिपसेट। तो आज की वीडियो में करते हैं इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते भाई दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बेटर है। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 778G लॉन्च हुआ है 19 मई 2021 को, स्नैपड्रैगन 870 लॉन्च हुआ है 19 जनवरी 2021 को। तो दोनों ही प्रोसेसर 2021 में लॉन्च हुए हैं। स्नैपड्रैगन 778G एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। CPU और CPU क्लॉक स्पीड की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर के साथ में हमको ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर के साथ में 1+3+4 की बिग लिटिल अप्रोच दी गई है। स्नैपड्रैगन 778G की अगर बात करें तो पहला कोर यहां पर मिलता है आपको हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर आपको मिलता है क्रायो 670 प्राइम CPU जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A78 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है 2.4 GHz की। तीन कोर मिलते हैं लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर आपको मिलता है क्रायो 670 गोल्ड CPU जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A78 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है 2.2 GHz की। और चार कोर मिलते हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर हमको मिलता है क्रायो 670 सिल्वर CPU जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर। क्लॉक स्पीड मिलती है 1.8 GHz की। स्नैपड्रैगन 870 की अगर बात करें तो यहां पर हमको पहला कोर मिलता है हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर हमको मिलता है क्रायो 585 प्राइम CPU जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A77 के ऊपर। क्लॉक स्पीड मिलती है यहां पर आपको 3.2 GHz की। तीन कोर मिलते हैं लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर मिलता है क्रायो 585 गोल्ड CPU जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A77 के ऊपर। क्लॉक स्पीड मिलती है 2.4 GHz की। और चार कोर मिलते हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर आपको मिलता है क्रायो 585 सिल्वर CPU जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर। क्लॉक स्पीड मिलती है 1.8 GHz की। अब एफिशिएंसी वाले कोर्स तो आपको दोनों में सेम मिल जाते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस वाले कोर्स हैं वहां पर आपको लेटेस्ट A78 वाला CPU मिलता है 778G के साथ में, लेकिन यहां पर क्लॉक स्पीड आपको काफी ज्यादा मिलती है स्नैपड्रैगन 870 के अंदर। तो CPU और CPU क्लॉक स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 870 मेरे हिसाब से बेटर प्रोसेसर है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 778G बना है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर, स्नैपड्रैगन 870 बना है 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। और ये चीज़ आपको पता है भाई कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होगी प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करेगा, उतना ही कम हीट होगा और एनर्जी एफिशिएंसी आपको उतनी ही ज़्यादा बेटर देगा। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में स्नैपड्रैगन 778G बेटर प्रोसेसर है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64-bit के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 778G के साथ में मिलता है आपको क्वालकॉम अड्रेनो 642L GPU। ये वाला जो GPU है माइट बी 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है। हालांकि स्नैपड्रैगन 778G के साथ में इसको क्लॉक कितने पर किया गया है ये चीज़ नहीं बताई गई है, लेकिन गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको अच्छी निकाल के दे देगा। स्नैपड्रैगन 870 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम अड्रेनो 650 GPU जो कि 7 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है और गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी निकाल के देता है। स्कोर्स की अगर बात करें तो अड्रेनो 650 का स्कोर आता है लगभग 123 पॉइंट के आसपास। 642L का जो स्कोर है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अपने को अगर प्रेडिक्ट करना हो तो 117-118 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। GPU के मामले में स्नैपड्रैगन 870 बेटर प्रोसेसर है। रैम सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों प्रोसेसर के साथ में डुअल चैनल LPDDR4X और LPDDR5 रैम दोनों टाइप की रैम का सपोर्ट मिलता है। अगर LPDDR5 रैम का यूज़ किया जाता है तो 3200 MHz की आपको रैम फ्रिक्वेंसी मिलती है। LPDDR4X रैम के साथ में आपको 2133 MHz की रैम फ्रिक्वेंसी मिलती है और 16 GB तक की रैम यहाँ पर आपको मिल जाती है। रैम सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं।
स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों प्रोसेसर में EMMC 5.1 से लेकर के UFS 3.1 तक की सभी प्रकार की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, तो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 778G के साथ में आपको ट्रिपल ISP मिलता है, स्नैपड्रैगन 870 के साथ में आपको डुअल ISP मिलता है। स्नैपड्रैगन 778G की अगर बात करें तो 22+22+22 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 36+22 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप और 64 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा सेटअप आपको मिल सकता है, जहां पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलेगा। 192 मेगापिक्सल तक का यहां पर आपको मैक्सिमम कैमरा साइज मिलता है। स्नैपड्रैगन 870 की अगर बात करें तो यहां पर आपको 25+25 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप और 64 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा मिल सकता है, जहां पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलेगा। यहां पर मैक्सिमम कैमरा साइज आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल तक का। कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 778G बेटर है, क्योंकि यहां पर आपको ट्रिपल ISP दिया गया है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 778G के साथ में आपको मैक्सिमम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, 2160 पिक्सल्स वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो 30fps पर, 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो 120fps पर और 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 480fps पर। स्नैपड्रैगन 870 की अगर बात करें तो यहां पर आपको मैक्सिमम 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, 4320 पिक्सल्स वाले 8K अल्ट्रा HD वीडियो 30fps पर, 2160 पिक्सल्स वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो 120fps पर, 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो 240fps पर और 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 480fps पर। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में स्नैपड्रैगन 870 बेटर प्रोसेसर है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 778G के साथ में आपको मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, 2520x1080 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है एंड यहां पर आपको 144Hz तक के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 870 की अगर बात करें तो यहां पर आपको मैक्सिमम ऑन डिवाइस 4K डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, 2160x3840 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, लेकिन 4K डिस्प्ले के साथ में आपको 60Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा। लेकिन QHD प्लस डिस्प्ले अगर यूज किया जाता है, यहां पर रिजोल्यूशन आपको मिलता है 1440x3360 पिक्सल्स का और QHD प्लस डिस्प्ले के साथ में आपको 144Hz तक का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 870 नो डाउट बेटर प्रोसेसर है। नेटवर्क मॉडेम की अगर बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G के साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X53 5G मॉडेम मिलता है, जो कि डाउनलोड स्पीड देता है 3.3 GBPS की, अपलोड स्पीड देता है 1.2 GBPS की। स्नैपड्रैगन 870 के साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X55 मॉडेम मिलता है, जो कि डाउनलोड स्पीड देता है 7.5 GBPS की, अपलोड स्पीड देता है 3 GBPS की। तो नेटवर्क मॉडेम के मामले में भी स्नैपड्रैगन 870 बेटर प्रोसेसर है। एंटूडू स्कोर्स की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 870 को मिलते हैं लगभग 6,79,860 पॉइंट्स, 6,79,860 पॉइंट्स। स्नैपड्रैगन 778G का स्कोर तो वैसे डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन प्रिडिक्ट अगर अपन करें तो 5,40,000 से 5,50,000, 5,60,000 के आसपास स्कोर आ सकता है। एंटूडू के हिसाब से फिर भी स्नैपड्रैगन 870 एक बेटर प्रोसेसर है। गीकबेंच स्कोर्स की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 870 को सिंगल कोर में मिले हैं 1,034 पॉइंट, मल्टी कोर में मिले हैं 3,513 पॉइंट। स्नैपड्रैगन 778G का वैसे तो स्कोर अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे ही डिक्लेयर होगा वैसे ही मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिर भी स्नैपड्रैगन 870 जितना स्कोर नहीं कर पाएगा 778G, गीकबेंच के हिसाब से स्नैपड्रैगन 870 ही बेटर प्रोसेसर होने वाला है। तो भाई ये था कंपैरिजन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ में। CPU से स्टार्ट करें तो CPU भले ही से आपको 778G में लेटेस्ट मिलता है, लेकिन 870 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्लॉक स्पीड मिलती है और साथ ही में A77 वाले कोर्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है। तो CPU के मामले में 870 बेटर है। GPU के मामले में Adreno 650 GPU वहां पर दिया गया है, जिसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है भाई। तो यहां पर GPU के मामले में भी स्नैपड्रैगन 870 बेटर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में हालांकि 778G बेटर प्रोसेसर है, लेकिन मॉडेम की अगर बात कर लें तो यहां पर भी 870 बेटर प्रोसेसर है। ओवरऑल अगर इस बैटल के अल्टीमेट विनर की बात करें तो मेरे हिसाब से इस बैटल का जो अल्टीमेट विनर निकल के आता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।